चंद्रबाबू नायडू का नाम से आंध्र प्रदेश जुड़ा जाता है। चंद्रबाबू नायडू बहुत काम किया है, आने वाला टाइम में भी करेंगे। उसको वोट देने का जरूरत है, इसी के लिए आंध्र प्रदेश को अपन पांव में खड़ा होने के लिए। वी वांट दैट आंध्र प्रदेश गो अहेड, मस्ट गो अहेड। आप कंट्री को लीड करो, क्यों हमारा आंध्र प्रदेश नहीं करेगा, बंगाल नहीं करेगा, तेलंगाना नहीं करेगा, दिल्ली नहीं करेगा। हम चाहते हैं हर स्टेट, हर स्टेट दिल्ली को रास्ता दिखाए। हर स्टेट अगर स्टेट का डेवलपमेंट के लिए काम करे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकता है, आंध्र प्रदेश का साथ तेलंगाना का डिफरेंसेस है। जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मूवमेंट हुआ था, जब दो स्टेट अलग हो गया था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, लेकिन हम चाहते हैं हर स्टेट तरक्की करे, हर स्टेट आगे बढ़े। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो। अगर आपका स्टेट का अच्छा ही करना है, आगे ले आना है, तो चंद्रबाबू नायडू को जैसा और कोई नहीं है, उन्होंने कर सकता है। आप लोग कभी गलत मत समझो, कभी कभी देश में परिस्थिति आता है जब देश को नेतृत्व देने वाला लोगों को भी आगे बढ़ाना होता है। अगर आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू रहे, तो दिल्ली में भी उसको काम करना आता है, दिल्ली में भी काम करने के लिए उसका भी जरूरत होता है। अगर हमारा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, तो देश में काम करने के लिए उसका योग्यता भी है, काम करने भी आता है, जरूर आएंगे। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, ये लोगों को वोट देना जरूरी है। कौन फाइट करेगा, लड़ेगा कौन? देश के लिए लड़ने के लिए लोग ज्यादा नहीं है। ये तो देश का अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और देखो दो साइन बोर्ड, एक नरेंद्र मोदी और एक उसका दोस्त पार्टी का प्रेसिडेंट, क्या है दोनों? सबको खिलाफ में कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे केरला हो, चाहे बंगला हो, चाहे यूपी हो, सबको डराता है, सबको धमकता है, सबको चमकता है। अरे नहीं समझते है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत जनता से होता है, आपको बातों से नहीं। आने वाला दिन आपका ये बहुत झूठा बात नहीं चलेगा। कोई कोई तो कहता है पहले इलेक्शन में चाय वाला बना, तो लोगों ने विश्वास कर लिया चाय वाला है भाई, अभी चाय वाला से चौकीदार बन गया। किसका चौकीदार? दस का वफादार नहीं है, जनता का चौकीदार नहीं है, झूठा बोलने का चौकीदार है, देश को लूटने का चौकीदार है, नोटबंदी करने वाला चौकीदार है। जवान को देखो, कितना जवान हमारा देश में मर गया है पांच साल में। सबसे ज्यादा टेररिज्म बढ़ा है उनका टाइम में, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या किया है उनका टाइम में, बेरोजगारी 45 साल में इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ है। लेकिन आज तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं किया है। छोड़ो राजनीतिक लोगों का साथ बात किया करेगा, पार्टी का अंदर में बात करते हैं, हमारा डाउट है। कोई मीडिया का साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया है, एक मीडिया को भी फेस नहीं करते हैं। हम लोग आपके पास भाषण देते हैं, ठीक है, अब देखो हमारा पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर है नहीं है, कोई भाषण भी देता है टेलीप्रॉम्प्टर में देता है, लिख के पूरा दिखा के देता है, जो लिखता है वही बोलता है। अब देखा था 56 इंची छाती है, 56 इंची छाती लेकर 560 इंची झूठा बोले, खाली झूठा बोलता है, सुबह में झूठा बोलता है, दिन में झूठा बोलता है, शाम को झूठा बोलता है, रात में झूठा बोलता है, और झूठा बोल के झूठा बात जोर से बोलता है। झूठा बोलने से हमको शर्म लगता है, लेकिन उनको झूठा बोलना आता है, क्या करे?
देश का नेता कैसा होना चाहिए? जो देश के लिए सबका दर्द समझे, जिसके लिए देश में आंध्र प्रदेश और बंगाल में कोई फर्क नहीं रहेगा, गुजरात यूपी में फर्क नहीं रहेगा, जिसको पंजाब चाहे हो चाहे कश्मीर हो कोई फर्क नहीं रहेगा, देश का नेता कैसा हो? महात्मा गांधी जी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? अम्बेडकर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? भगत सिंह आजाद जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नेताजी जैसा हो। देश का नौशाद कौर कैसा हो? राजेंद्र प्रसाद जैसा हो। लेकिन देश का नेता ये क्या बनेगा? ये तो ब्लॉक का नेता नहीं, बांसे का। 5 साल बीत गया, खाली इनकम टैक्स रेट करते हैं, बीजेपी इतना चोरी करता है नहीं करता है। मदर ऑफ थीप्स आर साउंड मोस्ट, एम्प्टी वेसल साउंड मच। एक देखा आपका पार्टी क्या था, आज क्या बन गया? शॉपिंग मॉल पार्टी ऑफिस बन गया। आप सबको खिलाफ में बोलते हैं। पहले तो अपन चेहरा आप देखो, पहले आप देखो आपका चेहरा पे क्या है, पहले देख लो। आप सबको खिलाफ में इंक्वायरी करते हैं, एजेंसी लगाते हो, और खुद अपने पर जब राफेल का इशू आता है कुछ नहीं करते हो, प्रेस का साथ कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं करते हो, पॉलिटिकल पार्टी का साथ भी नहीं किया है। पुलवामा में इंसिडेंट हुआ है, आप नई मीटिंग में कहता तो मैं भी नहीं कहता। आप एवरी मीटिंग में आप बोलता है, मैं जवान को रेस्पेक्ट देके कहती हूं। पुलवामा का मीटिंग का बाद एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर के साथ मीटिंग किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बताया क्यों इंसिडेंट हुआ, क्या होना चाहिए देश में एक साथ में मिलकर। जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, हम लोग सब पार्टी बोला, देखो जो गवर्नमेंट करेगा हम गवर्नमेंट का साथ में है, हम इसको लेकर राजनीति नहीं करेंगे। हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन बीजेपी पार्टी मोदी जी आपने क्या किया? जब आपके पास इंफॉर्मेशन था, इतना जवान मर गया। आप नोटबंदी का टाइम में बोला था कि देश में कोई टेररिज्म नहीं रहेगा, आज देखिए देश में टेररिज्म सबसे ज्यादा हो गया है, पूरा देश जल रहा है। कभी गोरखकर का नाम पर लोगों को हत्या करते हैं। हमको मोदी जी नहीं चाहिए क्यों? हमको दंगा नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए क्यों? हमको बेरोजगारी नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए कि हम किसान का आत्महत्या नहीं चाहिए। हमको मोदी जी नहीं चाहिए कि हम देश को एकता का नष्ट नहीं करने देंगे। हमको मोदी जी नहीं चाहिए जो देश के बेच देता है। हम हर जवान को सैल्यूट करके कहती हूं, ओ लोगों का बात पे काम आप लोग मत करो, हम लोग देशवासी आप लोगों को इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आप लोगों ने देश के लिए खून दिया, कुर्बानी दिया है, जिंदगी दिया है, लेकिन आजादी का टाइम भी ये लोगों का पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, हमारा भी पार्टी का नहीं हुआ था। हमारा पार्टी तो 98 में जन्म हुआ, लेकिन आपका पार्टी हुआ था? गांधी जी को देश से जाना पड़ा, किसके लिए? हर आदमी को पता है जो गांधी जी देश का नेता है वो, उसको भी टॉयलेट आप लोगों ने नहीं किया। मैं चाहती हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एकता बना रहे। हम लोग चाहते हैं, हम अरविंद जी को साथ एकमत हूं, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो देखने का जरूरत मोदी जी आपका नहीं है। कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इलेक्शन का बाद हम लोग बैठ के तैयार करेंगे, यू डोंट वरी। हम लोग भी स्टेट चलाते हैं, जनता का काम हमारा याद है, हम लोग जनता का काम 365 डेज करते हैं। हमको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम तो पहले कहा था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप कभी नहीं किया, तो आइए ना एक डिबेट हो जाए, अगर बाहर में होता है तो हमारा इधर में क्यों नहीं होता है, एक डिबेट हो जाए। एनी टीवी कैन डू इट, इवन योर चैनल, ऑल द बीजेपी चैनल टू कॉल अ डिबेट यू विल बी देयर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑपोजिशन कोई रहेगा जिसको सब मिलकर देंगे। आई एम रेडी टू फाइट विद यू पॉलिटिकली। I'll ask the question and you reply, you ask me the question, I will reply. हम कोई पेपर लेके नहीं आएंगे, टेलीफोन कॉल लेके नहीं आएंगे, कोई स्पीच तैयार करने नहीं आएंगे करके, जनता का साथ डायरेक्ट इंटरप्शन होना है, इंटरेक्शन होना है तो होने दो, देखते हैं
किसका बाजू में कितना जोड़ है, किसका जोड़ में कितना कदम है, हम देखते हैं। सार पड़ोसी को तमन्ना, सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू में कतील में है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी वो थोड़ा थोड़ा मीडिया को डरा के न्यूज करते हैं तो आ जाएगा, कैसे आएगा? मैं आपको पास में एक एरिथमेटिक बोलता है, एरिथमेटिक का मतलब तो समझता है ना, जो मैथमेटिक्स होता है, जो अंक, जो कैलकुलेशन होता है। देखिए कितना सीट था मोदी जी का 1914 में, जब उनका आना था, मोदी वेब चल रहा था हिंदुस्तान में, तब चाहे तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, बंगाल लेके कितना सीट है, 191। उनका कितना आया था, 21 में, वो 100 में 21 में जो 21 आया था उसमें भी 17 था कर्नाटक से, अभी तो वो भी गया, इतना तो नहीं आएगा। अगर बोलता मैं बंगाल में इतना करेगा, उड़ीसा में इतना करेगा, सब झूठा है, एक भी नहीं मिलेगा बंगाल में, झूठा बोलता है। कर्नाटक में जो गया वो भी गया, उड़ीसा में भी उसका नहीं मिलेगा, आंध्र प्रदेश में भी नहीं मिलने वाला है, और मेरे को पता है। लेकिन पूछिए अगर 191 में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका था तो आप 191 में कितना मिला था, 21। अभी तो बुरा दिन आ गया आपका, अभी तो जाने का दिन है, अभी तो जो था उसमें आप भी हो जाएगा। अभी पूछिए यूपी में कितना सीट आपको मिला था, यूपी में आपको मिला था कितना सीट, बोलो आप लोगों को पास मालूम है, 80 सीट में 73 मिला था, तो आपका वोट परसेंटेज कितना था, 44% था, और अभी 42% था। लेकिन तब मायावती अलग से लड़ा, अखिलेश अलग से लड़ा, सब अलग से लड़ा, वोट बंटवारा हो गया था, और अभी अखिलेश मायावती आरएलडी ने जो किया है उसमें वोट परसेंटेज, वोट शेयर 44 है, तो आपका जो 73 सीट उधर से मिला था 80 में, अभी कितना मिलेगा, 15-20 भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने भी अंदर में सर्वे किया है कि नहीं किया है, कैसे मिलेगा? अरे लोग एक साथ में और भी कुछ पार्टी एक साथ में कर ले तो 5 सीट भी नहीं मिलने वाला है, तो कितना गया, 191 में 21 और 80 में गया 15-20। अभी देखिए 3 महीना पहले राजस्थान में इलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, उधर में कितना सीट है, 60 सीट है, गुजरात में आपको पूरा मिला था, मध्य प्रदेश मिला था, राजस्थान मिला था, छत्तीसगढ़ मिला था, एक दो पे तो इतना ऊपर में जाना नहीं है, नीचे में आना है ना, ग्राफिक तो वही कह रहा है। तो अगर आपको 30 भी मिले तो कितना हुआ, आप देखो ये इंक्लूड करके होता है 333 सीट 543 में। अगर 333 में आपका 60 मिले तो कितना बाकी है, 543 में 207-809 बाकी है, तो क्या ये सब सीट मिला के मिलजुल के 60 मिलेगा? और ठीक है अगर 100 भी मिले, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या 207 में उसको 206 मिलेगा, कभी मिल सकता है, कभी मिल सकता है? देखो 543 सीट का हिसाब मैंने दे दिया, कैसे मिलेगा, किधर से मिलेगा, सब सीट आप काउंट करके ले तो देखो मोदी जी का सीट, बीजेपी का सीट 125 क्रॉस करेगा तो बहुत बढ़िया होगा लगता है, तो कैसे ऊपर में आएगा? और अभी से कह रहे इसको सपोर्ट करेगा, ए करेगा, ओ करेगा, दिखा देगा, सबको डराता है। सबको डराने का पहले आप सोचो, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो
तो मोदी को जाना जरूरत है और मोदी का साथ जो जो है उसको भी जाना जरूरत है। लड़ाई करना है तो हिम्मत से लड़ो। हम अरविंद जी को एक बात कहने चाहूंगी, दिल्ली में एक बात सच है, ये लोग बेचारा कोई भी काम नहीं कर सकता है। स्टेट का माफी कोई सही रूल बना दिया, स्टेट हुड का पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है इसका, गवर्नमेंट है, लेकिन बातों बातों पे इसको रुक जाता है। हम लोग भी चाहते हैं इसका कुछ फैसला हो और दिल्ली सेल्फ सफिशियंट हो, ये हमें भी चाहता है। हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा, जैसा आंध्र प्रदेश का डिमांड पे भी हमारा पूरा सपोर्ट है। कोई कोई कहते हैं चंद्रबाबू नायडू को वोट मत दो, लेकिन उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा था? उन्होंने एनडीए छोड़ा था आंध्र प्रदेश के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए। अगर जो आंध्र प्रदेश के लिए स्टैंड ले सकता है उसके लिए आप स्टैंड नहीं लेंगे? हम तो बंगाल के लिए जिंदगी कुर्बानी दे सकता है, अगर हम देश के लिए कुर्बानी दे सकता है। खाली बंगाल अकेला रहने से नहीं होगा, हर स्टेट एक साथ में काम करना है। आज स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे लोग, इंस्टीट्यूशन को बदल दिया है। आज गांधी जी उसका नेता नहीं है, वो अपन का नेता अपन बन गया। ऐसा देश थोड़ा ही चलते है। बेरोजगार भूखा मरते है, किसान भूखा मरते है, धनवान खजाना भरते है, कानून हिफाजत करते है, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते है। ए दिन नहीं आने, ए दिन आने नहीं चलेगा। आज कोई बोलना नहीं है पांच साल में क्या किया, खाली दिखाता है हम सबसे बड़ा देशभक्त है और सब देश का एनिमी है। इतना देशभक्त आ गया कि देश को बेच दे रहा है, इतना देशभक्त आ गया कि हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है, इतना देशभक्त आ गया कि आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बंटवारा कर रहा है, सबको हेटेड पॉलिटिक्स सिखा है। ऐसे चलते नहीं चलेगा। और बीजेपी को भी थोड़ा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी मैं मिनती करने चाहूंगी, आप अगर देश को प्यार करते हैं, थोड़ा से भी मोहब्बत आपके लिए है, तो मोदी और अमित शाह को आप मदद मत करो, मदद मत करो, मदद मत करो। ये चल ये आएगा तो देश नहीं रहेगा, देश चला जाएगा, आजादी नहीं रहेगा। तो इसी के लिए हम लोग आंध्र प्रदेश में इसी के लिए आए। मैं अभी बंगाल कैंपेन शुरू नहीं किया, मैं अल्फाबेटिकली आंध्र प्रदेश से शुरू किया। अगर आप लोगों ने मेरे को फास्ट कैंपेनिंग है, मैं इधर से शुरुआत कर किया है। मैं आपको अपील करने चाहती हूँ, ए टू जेड बीजेपी का खिलाफ वोट दो, आंध्र प्रदेश में दो, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू को दो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दो, यूपी में मायावती अखिलेश जी और अजीत सिंह जी जो लड़ रहा है उसको दो, जो हमारा दोस्त जिधर में भी हो, जो स्ट्रांग है उसको दे दो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश को बचा लो। क्या देश को बचाएंगे आप? क्या बोलो, बचाएंगे कि नहीं बोलो, जोर से बोलो, दिल से बोलो, हक से बोलो, आजादी से बोलो, देश के बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? तो वादा करो, तो वादा करो, हम लड़ने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है। बीजेपी को हम नहीं आने दूंगा, हम नहीं आने दूंगा, हम नहीं आने दूंगा, और उसका जो दोस्त है उसको भी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को नमस्कारिंदा कह के मैं फिर आप लोगों को कहने चाहूंगी कि अंध पोजाला मी भविष्य तू चंद्रबाबू गाड़ी भज्यता, चंद्रबाबू को वोट दी, चंद्रबाबू नायडू को वोट दीजिए, तेलुगु देशम पार्टी माई फ्रेंडली पार्टी वोट दीजिए, हम लोग एक साथ में काम करेंगे। और दिल्ली में होगा जनता के सरकार, असली जनता का सरकार होगा। मोदी नहीं चाहिए, अमित शाह नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, देश के लिए असली देश का सच्चा लीडर चाहिए, और देश का जनता बनाएंगे, देश का लीडर तैयार करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुझे आप यही सिखाता, आपस में बिहारी अपना आप पता करिए। हम हमारा अमर जवान को, शहीद को हम श्रद्धांजलि करके कहती हूँ, मेहरबानी करके उसको साथ मत दीजिए, उसका ब्रीफिंग मत लीजिए। वो कहता है जाओ जाकर बीजेपी का हो के बीजेपी के लिए तुम प्रचार करो, कैंपेन करो। नहीं भाई, आप भी हमारा भाई है, आप भी देश में सबसे, हम लोग सबसे रेस्पेक्ट आप लोगों को करते हैं। आप परिवार, आपका परिवार देश के लिए कुर्बानी देते हैं। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी,
जब तक आखिरी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीदों को कुर्बानी दीजिए, एक देश को रक्षा कीजिए। जय हिंद, जय आंध्र प्रदेश, जय बांग्ला, जय दिल्ली, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।